नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं न्यूज 21। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। भारतीय रेलवे आए दिन यात्रियों को अधिक सुविधा देने के लिए अपनी सेवाओं का विस्तार कर रही है, जिसमें देश में वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ को भी एक नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिली है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस को रायपुर जंक्शन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल रहे। साथ ही राज्यपाल रमेन डेका, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, रायपुर सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल और विधायक भी शुभारंभ के अवसर पर मौजूद रहे। आपको बता दें, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 4:15 बजे रायपुर जंक्शन से रवाना हुई, जो रात लगभग 12:20 पर विशाखापट्टनम पहुंचेगी। ये ट्रेन इस रूट के सभी स्टेशनों में रुकेगी और संबंधित क्षेत्र के विधायक और जनप्रतिनिधि ट्रेन का स्वागत करेंगे। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलने में सक्षम है। कार्यक्रम में सामाजिक संगठन एनएसएस, किन्नर समाज, वृद्धाश्रम और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इससे पहले 11 दिसंबर 2022 को बिलासपुर से नागपुर के लिए पहली वंदे भारत की शुरुआत हुई। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।